स्टूडेंट्स, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 में आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। तो 11 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ ए प्लस आईटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आईटा स्क्वेयर बाय 2x² + 1। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर बाय 2x² + 1 स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। तो हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उससे भी पहले, जब हमें a प्लस आईटा b की फॉर्म में ये दिया है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, तो हम उसमें कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है एक बार हम वो देख लेते हैं। कॉन्जुगेट होता है, अगर z x प्लस x माइनस आईटा वाई है तो उसका कॉन्जुगेट को हम उसके ऊपर बार से डिनोट करेंगे, शो करेंगे। x माइनस आईटा वाई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कि जो उसका आईटा वाला मेंबर है यानी जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अगर जेड एक्स प्लस आईटा वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आईटा वाई। ठीक है, उसका ये साइन चेंज हो जाता है। तो एक बार अगर आप चाहो तो इसको पूरे के ऊपर लिख के भी दिखा सकते हो या सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए प्लस आईटा बी इक्वल टू दिस, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम पहले टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, इसको हम 1 ले लेते हैं और कॉन्जुगेट लेंगे इसको, तो a प्लस आईटा b के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, x प्लस आईटा कॉन्जुगेट स्क्वेयर और 2x² + 1। देखो इस पे क्योंकि आईटा नहीं है इसमें, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा a माइनस आईटा b, यही होता है, आईटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, x माइनस आईटा स्क्वेयर बाय 2x² + 1। ठीक है, ये बन गया। अब इसको ले लेंगे 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आईटा b है इसमें, a प्लस आईटा b और ये है a माइनस आईटा b, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड वालों की, और राइट हैंड साइड में है x प्लस आईटा स्क्वेयर बाय 2x² + 1 और इसमें है x माइनस आईटा स्क्वेयर बाय 2x² + 1। ठीक है, ये बन गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे, देखो ये a प्लस b, a माइनस b, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये रूल है, ये बन जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, x प्लस आईटा और x माइनस आईटा की गुना कर देते हैं और जो दोनों का स्क्वेयर है दोनों के ऊपर आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये 2x² + 1 सेम है, तो 2x² + 1 का स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया है, देखो ये बन गया x² - i² इसका स्क्वेयर बाय 2x² + 1 का स्क्वेयर बन गया ये। इसको करेंगे तो ये a² - i² β² इक्वल टू x² माइनस 1, इसकी पुट करेंगे आईटा स्क्वेयर की वैल्यू, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, एक स्टेप अगर बनाना चाहो तो ये माइनस 1 रख भी सकते हो। देखो ये माइनस 1 होगा आईटा स्क्वेयर की वैल्यू, कर ही देते हैं। ठीक है, ये जो स्क्वेयर है देखो ये तो पूरे के ऊपर है ना, ये तो हमने x² - i का स्क्वेयर, आईटा स्क्वेयर की जगह रखा है माइनस 1 और ये स्क्वेयर पूरे पे है और ये है 2x² + 1 का स्क्वेयर। ठीक है, ये बन गया है a² - 1 आ जाएगी तो माइनस माइनस प्लस a² + b², ये बन गया x² + 1 का स्क्वेयर बाय 2x² + 1 का स्क्वेयर। तो हमें यही नहीं प्रूव करना था, देखो ये सेम चीज़ है जो हमें प्रूव करनी थी, तो ये हो गया, हैंस प्रूव्ड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नाउ वी हैव डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है, अगर z1 2 - i है, z2 - 2 + i है, तो हमें फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बाय z1 का कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z1 z2 निकाल लेते हैं। z1 z2 कैसे निकलेगा, z1 है 2 - i, z2 है -2 + i, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 को -2 से करेंगे -4, 2 को आईटा से किया 2 आईटा, ये बन जाएगा +2 आईटा और -i² आईटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट कर लो, 2 आईटा 2 आईटा
फोर आइटा, तो ये माइनस फोर, ये प्लस वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर आइटा आ जाएगा, ठीक है। और जेड वन का कॉन्जुगेट यानी टू माइनस आइटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा टू प्लस आइटा। अब ये बन गया है जेड वन जेड टू बाय जेड वन का कॉन्जुगेट, ये क्या बन गया है, जेड वन जेड टू तो आ गया माइनस थ्री प्लस फोर आइटा, और ये आ गया है टू प्लस आइटा, ठीक है। इसका हमें रियल पार्ट निकालना है, तो रियल पार्ट निकालने से पहले हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ताकि ये देखो नीचे आइटा ना रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऊपर नीचे टू माइनस आइटा से गुना कर लेते हैं, यानी रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। तो माइनस थ्री से इसको गुना करेंगे तो बन जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री आइटा। अब फोर आइटा से टू को करेंगे एट आइटा माइनस फोर आइटा स्क्वेयर, बाय में टू स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब आगे सोल्व करेंगे, माइनस सिक्स थ्री आइटा और एट आइटा मिलके हो जाएंगे इलेवन आइटा, माइनस फोर आइटा स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, टू का स्क्वेयर फोर माइनस आइटा स्क्वेयर की वैल्यू है माइनस वन, माइनस सिक्स इलेवन आइटा ये बन जाएगा प्लस फोर, फोर प्लस वन, ठीक है। माइनस सिक्स प्लस फोर बन जाएगा माइनस टू, प्लस इलेवन आइटा है बाय फाइव है, तो इसको अब हम अलग अलग लिख लेते हैं, फाइव दोनों के नीचे लिख लेते हैं ना अलग अलग। तो रियल पार्ट क्या होगा, अब ये जो बन गया है ये बना है जेड वन जेड टू बाय जेड वन कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट तो यही है, तो माइनस टू बाय फाइव आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था इमेजनरी पार्ट ऑफ वन बाय जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम इसके लिए जेड वन तो टू माइनस आइटा है, जेड टू का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। जेड टू है माइनस टू प्लस आइटा, जेड टू का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस टू माइनस आइटा, ठीक है। तो जेड वन जेड टू का जो कॉन्जुगेट है इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो वन बाय जेड वन है टू माइनस आइटा, जेड टू कॉन्जुगेट आ गया माइनस टू माइनस आइटा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा सोल्व करके ये बन जाएगा माइनस फोर प्लस आइटा स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सोल्व ही करना है तो आप सिंपली कर लोगे, ये बन जाएगा माइनस फाइव, ठीक है। तो ये जब सोल्व किया, ये पूरा सोल्व किया माइनस फाइव आया, तो इसमें आइटा वाली कुछ चीज़ आई नहीं, तो इमेजनरी पार्ट इसका क्या बन गया, आइटा वाला कुछ नहीं है तो इमेजनरी पार्ट बन जाएगा। नंबर 13 के स्टेटमेंट फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें मॉडुलस भी निकालना है आर्ग्यूमेंट भी। तो उसके लिए सिंपली जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर देंगे जिससे ये इस फॉर्म में बन जाएगा, फिर हम निकाल देंगे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। तो इसको सोल्व करते हैं, पहले ये 1 प्लस टू आइटा बाय 1 माइनस थ्री आइटा है, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यानी 1 प्लस थ्री आइटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 से करेंगे 1 प्लस थ्री आइटा, 2 आइटा से करेंगे 2 आइटा प्लस 6 आइटा स्क्वेयर, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 1 5 आइटा, ठीक है। और ये बन जाएगा आइटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन, वन का स्क्वेयर 1 माइनस 3 का स्क्वेयर क्या बन जाएगा 9, और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू रख दो माइनस वन, 1 प्लस 5 आइटा माइनस 6, और ये 1 प्लस 9, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 6 क्या बन जाएगा माइनस 5 प्लस 5 आइटा बाय 1 प्लस 9 10। तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस 5 बाय 10 और 5 आइटा बाय 10, ताकि ये किस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में। देखो कैंसिल होके ये बन गया है माइनस 1 बाय 2 और 1 बाय 2 आइटा। अब ये इस फॉर्म में बन गया है जेड, नॉर्मल जेड की फॉर्म में बन गया है, वेयर एक्स क्या है माइनस 1 बाय 2 है और वाई क्या है 1 बाय 2। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है ना मॉडुलस, यही होता है मॉडुलस का जो हमने 5.2 में किया था। एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस 1 बाय 2 स्क्वेयर और वाई की वैल्यू 1 बाय 2 का स्क्वेयर, तो ये 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 जो बन जाएगा 2 इंटू 1 बाय 4, ठीक है ना, यही बन रहा है ना एलसीएम लेके, 4 1 प्लस 1 यानी 2 बाय 4 यही बन रहा है। तो 2 बाय 4 है तो इसको 1 बाय 2 लिख सकते हैं, यानी 1 बाय रूट 2, ठीक है। ये बन गया यानी 1 बाय रूट 2, ये आ गया अल्फा, ये आ गया मॉडुलस, ठीक है। अल्फा निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, वेयर वाई क्या है 1 बाय 2 और एक्स है माइनस 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो 1 बाय माइनस 1 है, टेंजेंट इनवर्स क्या बना है मोड में माइनस 1, तो मोड की वजह से क्या हो जाता है
मोड का मतलब है जो माइनस है वो प्लस में बन जाता है, तो ये बन जाएगा प्लस वन। तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में वन। तो वन वैल्यू कब होती है? वन वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स वन कब होता है? 45 पे। तो हम इसको सीधा 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा 45 है यानी पाई बाय 4 है, तो ये जो है अब पाई बाय 4 है, ठीक है। तो इसमें हमें हम ये देखते हैं ये जो हमारा आया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, ये तो रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस प्लस में आ रही है, ठीक है। तो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट बना ना, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है ना, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया जहाँ पे थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फा, ये रूल है, ये जो हमने 5.2 में भी किया था, पाई माइनस अल्फा पाई बाय 4, 4 एलशियम लेंगे, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक। इसमें हमें मॉडुलस और अर्ग्यूमेंट फाइंड करना था, पोलर फॉर्म नहीं बनानी थी, इसलिए यहाँ तक ही करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस आइटा वाई 3 प्लस 5 आइटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आइटा। यानी ये जो है ये कॉन्जुगेट है इसका, ये बोला है ना फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आइटा वाई 3 प्लस 5 आइटा, ये जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये कॉन्जुगेट है इसका। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को, इसका कॉन्जुगेट है तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन आएगा, ठीक है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन करेंगे और सोल्व कर देंगे नॉर्मली। तो कैसे हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से इसकी करेंगे 3x, 3x की करेंगे 5x आइटा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 3y आइटा, और इसको इससे करेंगे माइनस 5 आइटा स्क्वेयर और y, ठीक है, और इसका करेंगे तो माइनस 6 प्लस 24 आइटा हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ आइटा वाले का साइन चेंज होता है, माइनस से ये बन जाएगा प्लस। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 3x प्लस 5x आइटा है, 3xy आइटा है, तो इसमें तो यही सोल्व हो सकता है कि आइटा स्क्वेयर की वैल्यू रख दें माइनस 1, एज इट इज रखोगे इसको, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ 3x प्लस 5x आइटा है, ये 3y आइटा है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 5 आइटा, ठीक है, ये सेम ही रखा। अब इसके रियल पार्ट अलग लिख लो, यानी 3x प्लस 5y और आइटा इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये 5x माइनस 3y आइटा आ जाएगा, ये आ गया माइनस 6 प्लस 24 आइटा। अब कंपेयर कर लो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, यानी 3x प्लस 5y आ जाएगा माइनस 6 के इक्वल, और 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y आ जाएगा 24 के, ठीक है, आइटा आइटा नहीं लिखेंगे, कंपेयर किया है तो 5x माइनस 3y आ जाएगा 24 के इक्वल। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, जो आपको सोल्व करना आता ही है, इसको हम कौन सा इस इक्वेशन को 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 15x 25y इक्वल टू माइनस 30, 15x माइनस 9y इक्वल टू 72। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 25 प्लस 9 कितना बन जाएगा 34y इक्वल टू माइनस 2 110, तो y आ जाएगा माइनस 110 2 बाय 34, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, 34 है ये, 34 तो 34 थ्रीजा ये होता है ना, आप करके देख लो, 34 थ्रीजा इतना होता है, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, जिसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे आपको आता ही सोल्व करना, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। नंबर 15 में फाइंड द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस निकालना है, सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, एलशियम लेंगे सबसे पहले, तो देखो जैसे इसको देख के ही आपको लगता है सबसे पहले एलशियम आ जाएगा, एलशियम लेके जो कुछ आएगा अगर वो जिसमें डिनोमिनेटर में आइटा आ जाता है कैसे भी, तो हम उसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, फिर वो जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी ऐसी कुछ फॉर्म में बन जाएगा। फिर इसका मॉडुलस निकालने के लिए, मॉडुलस क्या होता है, यही होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यही होता है, ठीक है, मॉडुलस r इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर वो कर लेंगे, करना यही है इसमें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसका एलशियम ले लेते हैं सबसे पहले, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा,
तो वन प्लस आईटा और वन प्लस आईटा की गुना कर रहे हैं, वन से इसकी कर रहे हैं तो वन प्लस आईटा, ठीक है, या वन प्लस आईटा का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, वन प्लस आईटा, वन प्लस आईटा माइनस वन माइनस आईटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्क्वायर खोल लो, तो वन स्क्वायर प्लस आईटा स्क्वायर प्लस टू वन इंटू आईटा, यही बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, वन स्क्वायर प्लस आईटा स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू आईटा, ये फॉर्मूला बन गया। और इनकी गुना करेंगे वन स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वन आईटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस वन, प्लस में टू आईटा आ जाएगा, माइनस में क्या है वन, और ये आईटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस वन, माइनस टू आईटा है, बाय में वन माइनस माइनस वन, वन से वन कैंसिल, ठीक है, वन माइनस वन और वन माइनस वन कैंसिल, ऊपर क्या बचा है टू आईटा माइनस 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 प्लस टू आईटा, बाय में है वन प्लस वन यानी टू, टू सब में से कैंसिल हो रहा है, तो वैसे भी ये फोर आईटा बाय टू बन रहा है, क्या बन रहा है ये टू आईटा, क्या आ रहा है ये टू आईटा, तो जेड इक्वल टू क्या आ रहा है टू आईटा, ठीक है, यानी इसको हम जीरो प्लस टू आईटा भी लिख सकते हैं, वेयर एक्स कितना है जीरो, वाई इक्वल टू क्या है टू। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब ही आर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जीरो का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही, टू का स्क्वायर फोर, जो टू ही आ जाएगा बाहर, तो टू आंसर आ जाएगा। तो आपको जब मॉडुलस निकालना था तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई भी स्क्वायर लिखते हो कई बार, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब लिखते हैं ना जब एक्स प्लस आईटा वाई, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जेड को अगर एक्स प्लस आईटा वाई लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इफ एक्स प्लस वाई आईटा की क्यूब इक्वल टू यू प्लस आईटा वी, तब हमें शो करना है यू बाय एक्स प्लस वी बाय वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई आईटा की क्यूब है, यानी एक्स प्लस वाई की थ्री वाला ये फॉर्मूला लगेगा इस पे, तो वो लगा देते हैं, ये एक्स की थ्री प्लस वाई की थ्री आईटा की थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर वाई आईटा प्लस थ्री एक्स, एक्स और वाई का स्क्वायर, या वाई क्या है वाई आईटा का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर आईटा स्क्वायर, और ये बन गया यू प्लस आईटा भी। तो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ ये फॉर्मूला खोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक्स की थ्री वाई की थ्री, वैसे तो आईटा की थ्री की जगह आप सीधा माइनस वन ही भी पुट कर सकते हो, तो सीधा माइनस वन पुट करो, या इसको आईटा स्क्वायर इंटू आईटा में ब्रेक करके आईटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट करो, ये आपकी मर्जी है, कोई इसके नंबर नहीं कैंसिल होते, थ्री एक्स स्क्वायर वाई आईटा, थ्री एक्स वाई स्क्वायर और आईटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, यू प्लस आईटा भी। तो यहाँ पे आईटा स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू माइनस वन पुट किए, इसको सोल्व किए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी एक्स की थ्री माइनस वाई की थ्री आईटा है, ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन अगले स्टेप में हम एक्स की थ्री और थ्री एक्स वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट को अलग और आईटा कॉमन लेके, आईटा कॉमन लेंगे तो ये बन गया माइनस वाई थ्री, माइनस वाई थ्री, और यहाँ से आ जाएगा थ्री एक्स वाई, तो इन दोनों में से आईटा कॉमन ले लिया, एक्स की थ्री और थ्री एक्स वाई स्क्वायर में आईटा नहीं है, उसको आगे लिख लिया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो एक्स की थ्री माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा यू के इक्वल, और माइनस वाई की थ्री और थ्री एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा वी के इक्वल। इतना हमने यू और वी निकाल लिया, अब हमें शो क्या करना है, शो करना है यू बाय एक्स, यू बाय एक्स प्लस वी बाय वाई। तो यू क्या है, यू है एक्स की थ्री माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये है ना, बाय में कर देंगे एक्स, प्लस में वी क्या है, v है थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की थ्री, बाय में कर देंगे y, हमने लेफ्ट हैंड साइड बना ली ना। अब देखते हैं ऊपर से देखते हैं, हम x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, बाय में है x, यहाँ y कॉमन आ रहा है, देखो नीचे y है तो हम y कॉमन देखते हैं निकल रहा है, तो y कॉमन आ गया, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाय में है y, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर फोर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई स्क्वेयर। तो इन दोनों में से अगर फोर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यही प्रूव करना था। यानी अगर हम इनमें ये मतलब नॉर्मल देखो क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने इसको बस सिंप्लीफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। वहां से आपको यू वी मिल गया था, यू वी आपने यहाँ पुट कर दिया तो आपका बिल्कुल ईजिली आ जाए।